हेलो दोस्तों, दिलीप कुमार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फिर से खामखेड़ा धाम के दर्शन करवाएंगे। दोस्तों तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, खामखेड़ा मंदिर इतना प्रसिद्ध मंदिर क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस मंदिर में होता क्या है। तो दोस्तों, क्या होता है कि अगर कोई भी आदमी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आता है तो मनोकामना पूर्ण होती है। किसी भूत प्रेत या किसी बाधा से आप परेशान चल रहे हैं दोस्तों, तो आप इस बालाजी मंदिर पे आइए और आपको पूरी तरह ठीक कर देंगे दोस्तों, इतनी गारंटी है इस मंदिर में। तो दोस्तों, आप अगर आप आओगे और जैसे भूत प्रेत से अगर परेशान हैं तो इंटर करते ही उसको आराम मिलना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे इस मंदिर की खूबियां हैं तो आपको बता दी हैं। तो दोस्तों, आप आइए और देखिए। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि अगर आप खामखेड़ा मंदिर आ रहे हो तो मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है, तो अगर आ रहे हो तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। दोस्तों, कुछ श्रद्धालुओं से जुड़ी बातें हैं। दोस्तों, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पार्किंग की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है और वो भी निःशुल्क, और यहाँ पर 35 पंडित हैं जो आपको कथा सुनाते हैं, सुंदरकांड करवाते हैं, तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप फाइनली अब हम बालाजी के दर्शन करवाने जा रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, बालाजी के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, अभी श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई है, देख रहे हो आप, तो देख रहे हो आप इस तरीके से हमारे बालाजी दिखते हैं। आपको देख लिया होगा, अभी हमारे पाट खुले थे और अब दर्शन करवा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको, और देख रहे हो आप बाप बालाजी का दर्शन, जितने भी आपकी मनोकामना कष्ट जो भी है आपको सब संपन्न हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आप, राजस्थान में है खामखेड़ा मंदिर, वहाँ के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं दोस्तों, मैं कोई बनी बनाए बातें नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है, मंगलवार और शनिवार को खास ज़्यादा भीड़ पड़ती है। चलिए दोस्तों, देख रहे हैं आप, नारियल फूट रहे हैं दोस्तों। एक कुंड भी है जिसमें अपन हवन की चीज़ें उसमें अर्पित करते हैं दोस्तों, और नारियल फूटने की ये टेक्निक भी अच्छी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।